फेसबुक पे जब आप वीडियोस देखते हैं तो वो ऑटो प्ले होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपका इंटरनेट डेटा बहुत जल्दी कंज्यूम होता है। वही आप उस ऑटो प्ले को ऑफ कर सकते हैं, कैसे वही सीखते हैं। तो सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, अपनी फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करेंगे तो टॉप पर राइट कॉर्नर पे आपको 3 लाइंस देखने को मिलेंगी। इस ऑप्शन पे क्लिक कर दें, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है सेटिंग का। इस सेटिंग को चूज़ कर लें। जैसे ही चूज़ करेंगे तो नीचे आ जाना आप लोगों ने। जैसे ही नीचे आते जाएँ तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा हमारे पास मीडिया एंड कॉन्टैक्ट्स का, ये ऑप्शन है। इस ऑप्शन के नीचे आप दूसरा ऑप्शन दे सकते हैं ऑटो प्ले वीडियो का। यही हमारा वो प्रॉब्लमेटिक इशू है जिसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने किया हुआ डेटा सेवर मोड में। यहाँ पे जैसे मैं इसे डिसेबल करता हूँ तो यहाँ पे देखें फोटो क्वालिटी जो होगी वो भी बड़ी हाई है, वीडियो क्वालिटी जो है वो ऑप्टिमाइज्ड है, यानी एक अच्छी खासी MB आपकी खर्च होने वाली है। तो यहाँ पे देखें जी, यहाँ पर आप प्रेफरेंसेस सेट कर सकते हो। फोटो क्वालिटी की जो क्वालिटी है वो मीडियम और लो कौन सी हो, और वीडियो क्वालिटी को ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे एडजस्ट वीडियो टू नेटवर्क कंडीशंस। वीडियो जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट हो जाएंगे जब भी आप जिस किस्म का आपका नेटवर्क इंटरनेट डेटा चल रहा होगा तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं नहीं भाई जैसा भी नेटवर्क हो हमें जो है वो क्वालिटी थोड़ी लेस चाहिए, रिड्यूसिंग वीडियो क्वालिटी चाहिए, तो आप दूसरे ऑप्शन पर जा सकते हैं। उसके बाद ऑटो प्ले का नीचे बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा ही इंटरेस्टिंग फीचर है कि अगर आप लोगों ने वाईफाई किसी का जुगाड़ लगाया हुआ है, भाई मुफ्त का वाईफाई मिल रहा है, तो आप इस पहले ऑप्शन को चूज़ कर दें या दूसरे ऑप्शन को चूज़ कर दें। इससे क्या होगा कि आपकी वीडियो जब भी वाईफाई पे कनेक्टेड होंगे तो आपकी वीडियो ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगी। अगर आप अपने मोबाइल डेटा पे होंगे तब वीडियोज़ नहीं चलेंगी, लेकिन जब आप वाईफाई से कनेक्टेड होंगे तब ऑटो वीडियो चलना शुरू हो जाएंगे। आप इसी तरह वीडियो क्वालिटी और इसी तरह फोटो क्वालिटी के लिए प्रेफरेंसेस सेट आउट कर सकते हैं।